हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुधांशु एक्सपेरिमेंट में। आज गाइज, जो लैपटॉप का बैटरी होता है खराब, उसी से आज गाइज बनाने वाले हैं बहुत ही पावरफुल बैटरी जो कि 12 वोल्ट का होता है। मार्केट में जो बैटरी मिलता है नॉर्मल, उससे कई ज्यादा बैटरी टिकाऊ होता है। लैपटॉप बैटरी बहुत ही हार्ड होता है, उसी से गाइज आज बनाने वाले हैं। देख लीजिए, मेरे पास ढेर सारा लैपटॉप का बैटरी है, इसी गाइज से बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो में बनना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो जो गाइज बीच में लगेगा हम आपको बताते जाएंगे क्या क्या लगने वाला है, कैसे ये बनने वाला है। ये गाइज बता देते हैं। ये गाइज देख लीजिए, मेरे पास 2000 mAh का बैटरी है, देख लीजिए यहाँ पे। ये गाइज 3.77 वोल्ट का ये बैटरी है। ये गाइज मेरे पास 21 को बैटरी है। पहले 77 को पैरेलल में गाइज इसको सोल्डिंग करेंगे। पहले इसको पैरेलल में इसको पहले साटते हैं। साटने के लिए गाइज हम ग्लू गन का यूज करेंगे। चलिए किस तरह से साटते हैं वीडियो में बना रहे हैं, चलिए इसको साटते हैं। मेरे पास 7 पीस ले लिए हैं। इसी तरह से गाइज इसको साटेंगे ग्लू गन। चलिए गाइज साटते हैं ग्लू गन से। ग्लू गन ना हो तो फेविक्विक का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम ग्लू गन मेरे पास है, इसी से गाइज साट लेते हैं। गाइज उलट कर भी साट देंगे इस तरह से। देख लीजिए गाइज बहुत अच्छी तरह से सट गया है। इसी तरह का 3 बनाना है, इसको भी जल्दी जल्दी सट लेते हैं। तो सट गया। चलिए मेरे पास तीनों हो गया है, तीनों से यहाँ पे देख लीजिए गाइज पैरेलल में करना है। यहाँ गाइज माइनस माइनस है, इसके बाद प्लस हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह का होगा, फिर गाइज माइनस होगा। इससे भी गाइज ग्लू गन से साट लेते हैं। चलिए वीडियो बन रहा है। ये गाइज अच्छी तरीके से सट गया है। अब इसे गाइज अब सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग करने के लिए गाइज लीजिए मेरा इस तरह का वायर लिए हुए हैं, इस पे गाइज स्क्रेच कर दिए हैं। इस पे गाइज स्क्रेच नहीं करते, सोल्डिंग नहीं होता। चलिए अब करते हैं पेस्ट। यहाँ हम सब पर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट, अच्छे से ये चिपक जाए। सोल्डिंग कर देते हैं पहले। देख लीजिए गाइस ये डबल तार है, डबल तार इसलिए लिए कि मजबूत रहेगा। चलिए अब सोल्डिंग करते हैं इस पे। अब इसी तरह से गाइस सब में सोल्डिंग कर देना है। चलिए फटाफट आप सोल्डिंग कर लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। जिस तरह से गाइज इस पट्टी किए हैं ना प्लस माइनस, इसी तरह से गाइज इस पट्टी करेंगे प्लस माइनस। चलिए गाइज इसको भी अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए गाइज देख ले गाइज प्लस माइनस हुआ है। इस पट्टी भी गाइज देख लीजिए, ये प्लस माइनस हुआ है। चलिए गाइज आप लोग को वोल्टेज चेक। गाइज बैटरी चार्ज अभी नहीं है, तो गाइज चार्ज होगा तो 12 वोल्ट बताएगा। चलिए गाइज अब इसमें चार्ज करने के लिए गाइज BMS लगाएं।
यही है BMS इसी से गाइज चार्ज हो, इसे भी गाइज कनेक्शन चलिए करते हैं। चलिए गाइज पहले सोल्डिंग कर देते हैं, तार को निकाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ कहाँ सोल्डिंग करना है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसी तरफ गाइज इस पार्टी सोल्डिंग करेंगे, ये प्लस में आठ पे, यहाँ पे गाइज आठ है, यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, यहाँ पे गाइज निकालेंगे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट निकालने के लिए यहाँ पे गाइज निकालेंगे 12 वोल्ट। देख लीजिए गाइज ये जो माइनस है जो जीरो है यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे इसको, ये 4.2 है जो निकला है, जहाँ से माइनस निकला है वहाँ इस पार्टी प्लस है। यह गाइज यहाँ पे जोड़ेंगे रेड वाला तार है, ये 8.4 है, ये गाइज इधर से निकालेंगे यहाँ जोड़ेंगे, जो 12 वोल्ट यहाँ पे जोड़ेंगे, निकाल लेंगे तार एक प्लस एक माइनस का, एक है जो माइनस माइनस से निकाल लेंगे, एक है जो प्लस है प्लस निकाल देंगे। देख लीजिए अच्छे से तार जोड़ लिए हैं, अब इसे गाइज अच्छे से इसको पैक कर देंगे। पैक करने के लिए गाइज देख लीजिए मेरे पास टेप है, स्टेप है, इसी से चारों पार्टी पैक करते हैं। गाइज ये तो बंद तैयार हो गया, इसे गाइज डालेंगे खोला में, खोला में डालने के लिए मेरे पास खराब बैटरी है इसी में डालेंगे। चलिए इसको भी फटाफट इसको पहले यहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ से काटते हैं, मेरे पास हेक्सा ब्लेड है इसी से काटेंगे। साफ कर दिए हैं अच्छे से, अब इसको गाइज काटना पड़ेगा। चलिए गाइज फटाफट इसको काट कर सब निकाल लेते हैं इसमें से, ये अच्छे से काट कर साफ कर दिए हैं, ये भी कर दिए हैं। इसमें गाइज एक होल करना पड़ेगा नट निकालने के लिए, क्या कि एक टूटा हुआ है यहाँ पे। चलिए इसको मैं अब होल करके नट निकाल देते हैं। चलिए गाइज देखिए इसमें भी कस दिए हैं, इसमें भी इसी तरह कस देंगे। ढीला है तो इसमें थोड़ा कूट डालेंगे, इस तरह से मोड़ में डालकर टाइट कर देंगे, टाइट इसी तरह से इधर से डालेंगे, इधर से भी डाल के अच्छे से टाइट कर देंगे। चलिए गाइस टाइट हो गया, अब हिल नहीं रहा बैठे। चलिए गाइस अब सोल्डिंग कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे रेड है रेड जोड़ देंगे, ब्लैक है यहाँ ब्लैक जोड़ देंगे। सोल्डिंग अच्छे से हो गया है, इस पर गाइस कुछ रखेंगे कितना लगे इस तक, अब हैवी क्यूब से काट देंगे, क्यूब है इसी से गाइस साटेंगे। चलिए इसको अब साट लेते हैं। इसमें गाइस थोड़ा पेंट मार देते हैं, एमसील लगा दिए हैं इसमें, देख लीजिए सब एमसील में तो व्हाइट दिख रहा है, पेंट मार देंगे। चलिए गाइस देख लीजिए ये पेंट कर दिए हैं, सूख गया। चलिए अब इसको अब छुड़काते हैं। देख लीजिए गाइस पेंट कर दिए थे, ब्लैक था अच्छा नहीं लग रहा था, कटा हुआ था तो यहाँ पे पेंट कर दिए। चलिए गाइस पेंट हो गया, चलिए अब दिखाते हैं इसे क्या क्या चीज चलता है। गाइस मोटर है, देख रहे ना किस तरह का झटका दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा। चलिए गाइस इस पे थोड़ा सा कागज लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना स्पीड में ये चलता है। देख लीजिए गाइस इस पे लगा दिए हैं पेपर, चलिए अब दिखाते हैं कितना स्पीड में चल रहा है, ये दिखा दिए चलाकर। चलिए इस पर लाइट जलाते हैं, देख लीजिए गाइस ये लाइट है मेरे पास, देख लीजिए ये लाइट है। ये गाइस लाइट हो गया था, इसमें जो किट था वो खराब हो गया है, ये गाइस 12 वोल्ट का है। चलिए अभी चलाकर देखते हैं
इतना रोशनी कर रहा है ये। देख लीजिए गाइस कितना रोशनी कर रहा है ये, गाइस लाइट कर रहा है ये। इसे गाइस कुछ भी चला सकते हैं, टीवी हो या कूलर हो, फ्रिज हो, पंखा हो, गाइस इसमें इन्वर्टर लगाकर कुछ भी चला सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई ऐसे वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।